हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2001 में आई अंडररेटेड हॉरर फिल्म द फॉरसेकन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जेएस कार्डन। ये मूवी नॉर्मल मूवी से थोड़ी अलग है, इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ, आखिर में फैक्ट्स मैं जरूर बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं शॉन को, जो कि वैसे तो मूवी ट्रेलर्स एडिट करता है, पर ये डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए इसे चाहिए पैसा। और पैसे के लिए ये एक साइड जॉब कर रहा है फ्रीलांस ड्राइवर की। फिलहाल इसे एक काम मिला है जिसमें इसे एक मर्सिडीज को ले जाकर मायामी में डिलीवर करना है। इससे इसके दो काम बन जाएंगे, एक तो पैसा मिलेगा और दूसरा ये अपनी सिस्टर की शादी भी अटेंड कर लेगा। अपने स्टूडियो से छुट्टी लेकर वो निकल गया, पर कार को डिलीवर करने के रूल्स भी हैं। ना तो कार को कोई नुकसान पहुंचे और ना रास्ते में ये किसी को लिफ्ट दे। टाइम पर कार पहुंचानी है, अगर लेट हुआ तो इसी के पैसे कटेंगे। पूरे मजे में वो ड्राइव कर रहा था, पर अचानक ही कार का टायर फट गया। कार को टो करवा के वो गैरेज तक पहुंचा, पर अभी से नया टायर डलवाना पड़ेगा, जिसमें कल तक का टाइम जाएगा। ऊबर से रास्ते में इसका वॉलेट भी गिर गया, तो पैसे भी इसके पास है नहीं। पर काम तो कराना ही है, इसलिए जिन पैसों से ये अपनी बहन को गिफ्ट देने वाला था वही उसने चला दिए। कार को वहीं पर छोड़कर ये रात वो बिता रहा था सामने वाले होटल में, पर उसके साथ वाले रूम से काफी तेज आवाजें आ रही थी और उसके बाहर खड़ी थी एक पुरानी सी कार। उन्हें अवॉइड करके वो सो गया, पर रात को अचानक उसकी आंख खुल गई, क्योंकि वो तेज आवाजें बदल चुकी थी भयानक आवाज और चीखों में। किसी तरह ये रात काट कर अगली सुबह वो निकल रहा था, तो उससे पहले ही वो कार जा चुकी थी और साथ वाले रूम में फैला हुआ था खून, जिसपे उसका ध्यान गया नहीं। अपनी कार लेकर वो निकल ही रहा था कि तभी उसके पास आ गया निक नाम का एक लड़का, जिसे लिफ्ट चाहिए थी, पर शॉन ने साफ मना कर दिया क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन निक ने बोला कि फ्यूल के पैसे वो दे देगा, और ये सुनकर शॉन ने उसे बैठा लिया क्योंकि पैसे इसके पास कम है, थोड़ा सहारा लग जाएगा। आपको बता दूं कि इससे एक साल पहले ही ये दोनों एक साथ नजर आए थे फाइनल डेस्टिनेशन में। रोड पर जाते ही निक ने बियर निकाल ली, तो शॉन कहता है कि पुलिस ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसे अभी फेंको। तो निक ने भी उसे फेंक दिया और वो सीधा जाकर गिरी साइड में खड़ी पुलिस कार के ऊपर, जिसके चलते एक चालान भी शॉन के हाथ में आ गया। रात को वो एक रेस्ट स्टॉप में रुके थे, जिसमें उन्हें खून देखने को मिला। जब वो बाहर आए तो बाहर उनका वेट कर रहा था एक अजीब सा ग्रुप, जिसमें थे चार लोग। उनका लीडर किट, किट की गर्लफ्रेंड साइम, टेडी और पेन। बचकाने से नाम है, लेकिन लोग खतरनाक हैं, बल्कि ये वही लोग हैं जो कल रात शॉन के साथ वाले रूम में रुके थे। ये बता रही है उनकी कार जो कि स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए उन्हें शॉन की हेल्प चाहिए। शॉन ने उनकी मदद कर दी, पर फिर भी वो जाने को तैयार नहीं थे। तो शॉन ही जाने लगा, पर जाते जाते उसने पूछ लिया कि क्या कल रात तुम सब उस होटल पर थे। जवाब में किट कहता है कि नहीं। अब शॉन वहां से निकल रहा था, लेकिन साइम उससे कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी, मानो उसे कुछ चाहिए, पर किट अलाउ नहीं कर रहा। उसे सही वक्त और सही जगह का इंतजार है। अब इससे ज्यादा सही वक्त और सही जगह क्या होगी। खैर, वो दोनों वहां से निकल कर पहुंचे सीधा एक डाइनर में, जहां पर शॉन की नजर पड़ी मेगन नाम की लड़की पर, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही थी। अचानक से वो भाग गई, तो शॉन उसके पीछे गया और उसने देखा कि मेगन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो होश में नहीं थी, पर उसे कहीं जाना था। शॉन कुछ समझ पाता उससे पहले निक ने जाकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो जानता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो उसे एक मोटल पर लेकर गए और निक ने शॉन को बर्फ लाने बाहर भेज दिया। इतने में वो मेगन के कपड़े उतार कर उसकी पूरी बॉडी को चेक कर था, तो आखिर में पेट के नीचे उसे एक बाइट मार्क मिल गया, जिससे उसका शक पूरी तरह कंफर्म हो गया। उसने मेगन को ले जाकर बाथटब में डाल दिया, क्योंकि उसका खून तप रहा था। अब ये सब देखकर शॉन परेशान हो रहा था, तो निक उसे बताता है कि मेगन इन्फेक्टेड है। निक अपने साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर घूम रहा था, जो मेगन की थोड़ी हेल्प कर देगी। उधर हम उन चारों को फिर से देख पाते हैं। वो बीच साइड पर पहुंचे थे, जहां पर कई सारे रेसर्स पार्टी कर रहे थे। किट ने जाकर उनसे बियर मांगी, तो एक लड़के ने बियर उसके मुंह पर खोल दी, तो किट ने भी सीधा उसकी बॉडी में हाथ देकर उसका दिल बाहर निकाल दिया। ये देखकर वहां भगदड़ मच गई, पर इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि ये वैम्पायर्स हैं। हर रात इनका यही काम है और मेगन भी इन्हीं की बाइट का शिकार है, यानी कि जल्दी वो भी एक वैम्पायर बन जाएगी। पर वो इनके हाथों से बची कैसे, ये तो हमें आगे पता चलेगा, और निक इतना सब कैसे जानता है वो भी। अब ये थोड़े अलग तरह के वैम्पायर्स हैं, क्योंकि किट यहाँ पर बियर पी रहा है, जबकि आमतौर पर वैम्पायर्स खून के अलावा कुछ भी नहीं पी सकते, उनकी हालत खराब हो जाती है।
जैसे ही ये सब हुआ उधर मेगन भी होश में आ गई और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी तो ये दोनों मिलकर उसे शांत करने में लग गए और इतना शोर सुनकर मोटल का ओनर भी वहां पर आ चुका था, इसलिए शॉन ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद किया और निक चला गया ओनर को भगाने। वापस आकर उसने मेगन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया, पर तब तक वो शॉन के हाथ पर काट चुकी थी जिससे वो भी बेहोश हो गया क्योंकि अब ये भी बनने वाला एक वैम्पायर। कुछ देर बाद निक देखता है कि वो चारों भी इसी मोटल पर आ चुके थे और आते ही उन्होंने सबसे पहले ओनर को गोली मार दी और अपने साथ वो वहीं से एक लड़की को उठाकर लाए थे। निक चुपचाप देख रहा था क्योंकि इसी में भलाई थी, रात को ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो सुबह का वेट कर रहा था क्योंकि वैम्पायर सनलाइट से मर जाते हैं। सुबह जब शॉन को होश आया तो निक उसे बाहर लेकर गया कुछ दिखाने। उनकी कार अब भी बाहर खड़ी थी और उसके ऊपर सोया हुआ था पेन। सनलाइट से ये नहीं मरा क्योंकि ये एक इंसान है या कहूं कि वैम्पायर्स का सेवक है। वैम्पायर्स को एक सेवक हमेशा चाहिए होता है जो दिन में उनके काम कर सके, सेवक के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। पेन का काम यह है कि सुबह होने से पहले ये उन तीनों को जगाकर कार के ट्रंक में डालकर ले जाता है, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा देर सो लिया जिसका फायदा उठाएगा निक जो कि इन्हीं के पीछे लगा है। सबसे पहले उसने अटैक करके पेन को बेहोश किया, फिर कार का ट्रंक खोला तो उसमें से बाहर आई टैडी जो कि सनलाइट की वजह से जलकर वहीं पर ब्लास्ट हो गई। और शॉन ने देख लिया कि वैम्पायर सच में होते हैं और मेगन भी इन्हीं का शिकार है और मेगन का शिकार बन गया ये खुद। कुछ देर बाद पेन को होश आया तो उसने जल्दी से कार को बैक करके मोटल में घुसा दिया। फिर किट और सैम जल्दी से खुद को कवर करके ट्रंक में घुस गए तो पेन उन्हें लेकर निकल गया और जाते जाते उसने लड़की समेत मोटल को उड़ा दिया क्योंकि कोई सुराग ये नहीं छोड़ते, उसे बना देते हैं दुर्घटना। इधर शॉन और निक भी मेगन को लेकर गाड़ी में ही थे, पर रास्ते में शॉन खून की उल्टियां कर रहा था क्योंकि इसका सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। निक उसे बोल रहा था कि दवाई ले लो, उससे वायरस स्लो हो जाएगा, पर शॉन ड्रग्स लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने उल्टा निक को ही पकड़ लिया, तब निक उसे अपने वाला बाइट मार्क दिखाता है, यानी कि ये खुद भी वैम्पायर्स का शिकार है। वैम्पायर्स ने इसे काटा था 1 साल पहले, पर आज तक ये वैम्पायर नहीं बना उन दवाइयों की वजह से। वो कम से कम 2 साल तक इस वायरस को रोक सकती है और 2 साल इसके लिए बहुत है क्योंकि इस वायरस को खत्म करने के लिए इसे सोर्स को खत्म करना होगा, यानी कि मेन वैम्पायर को जो कि है किट। इसलिए ये उसका पीछा कर रहा है, यानी कि एक वैम्पायर हंटर है और ये बात किट भी जानता है। अब आप सोचोगे कि अभी इसके पास मौका था तो इसने किट को क्यों नहीं मारा, क्योंकि फोरसेकन को सिर्फ होली ग्राउंड पर ही मारा जा सकता है, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। फिलहाल पेन भी इनके पीछे लगा हुआ था क्योंकि किट अपने काटे हुए विक्टिम्स को सेंस कर सकता है, यानी कि मेगन को। निक के लिए मेगन बेट है जिसके जरिए ये किट को होली ग्राउंड पर लाकर मार देगा। पेन फुल स्पीड में चल रहा था इसलिए पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। उसने कार का ट्रंक खुलवाया तो किट ने सीधा ही शॉटगन से उसे उड़ा दिया। फिर किट के कहने पर पेन ने उसकी कार समेत उसे भी जला दिया और ये फायर सीन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि किट पेन से बिना बोले बात कर सकता है अपने माइंड के जरिए। खैर रात में जब शॉन और निक एक डाइनर में रुके हुए थे तब निक शॉन से पूछता है कि वैम्पायर्स के बारे में तुम क्या जानते हो, तो शॉन कहता है कि मैंने कॉपला की ड्रैकुला देखी है, तो निक कहता है कि वो सब बकवास है। असल में ग्रेट क्रुसेड के टाइम पर सिर्फ 9 फ्रेंच शूरवीर बचे थे जिनमें से 8 ने डीमन के साथ डील करी थी अमर होने की। इसके लिए उन्होंने 9वें शूरवीर को मारकर उसका खून पी लिया था और गुजस्तरा वो बने थे सबसे पहले वैम्पायर्स जिन्हें कहते हैं द फोरसेकन। पर सुबह जब सूरज निकला तो अपने किए पर उन्हें इतना पछतावा हुआ कि वो गुफाओं में जाकर छुप। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते पर जाकर पूरी दुनिया में फैल गए और उनके ऊपर कभी ना मिटने वाली इंसानी खून की प्यास का कर्ज है और वो सूरज की रोशनी में नहीं चल सकते। यही कर्ज आगे जाकर बीमारी बन गई जब उन्होंने बाकियों को बाइट करके अपने जैसा बना लिया। इसलिए अब कई सारे वैम्पायर्स हैं लेकिन उनकी चेन अपने अपने फोरसेकन से जुड़ी है, जैसे मेगन की जुड़ी है किट से। अब अगर एक फोरसेकन को मार दिया जाए तो उसकी पूरी चेन भी खत्म हो जाएगी, यानी कि उसके नीचे वाले सारे वैम्पायर्स मर जाएंगे और जो भी वैम्पायर नहीं बने वो बच जाएंगे, इसलिए निक उसे मारने पर तुला है। मेन बात यह है कि उन 8 फोरसेकंड्स में से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं जिनमें से 2 हैं अमेरिका में, बाकी 4 को धीरे धीरे किसी ना किसी ने मार दिया। और एक और मेन बात यह है कि ये सारे फोरसेकंड्स अलग अलग तरह की बीमारी फैलाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के वैम्पायर्स बनाते हैं। मतलब कि हर फोरसेकंड की चेन में अलग तरह के वैम्पायर्स होते हैं। किट की चेन में ऐसे हैं तो किसी दूसरे की चेन में अलग होंगे। यह है पूरा मामला। इसमें वैम्पायर्स की कहानी अलग है तो उन्हें मारने का तरीका भी अलग है। या तो उनका सर काट कर अलग कर दो, नहीं तो फिर सनलाइट तो है ही। खैर अब ये जा रहे हैं एक पुराने स्पेनिश चर्च में क्योंकि वो होली ग्राउंड है, वहाँ पर किट को मारा जा सकता है, पर शायद ही वहाँ तक ना पहुँच पाए क्योंकि किट इन तक पहुँच चुका है। वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, ऊपर से उसके आते ही मेगन भी जाग चुकी थी और वो अलग से परेशान कर रही थी। पर किस्मत से शॉन को आगे एक ट्रक दिख गया जिसका सहारा लेकर उसने अपनी कार साइड में रोक ली और किट की कार को आगे निकाल दिया। फिर
सबसे पहले उन्होंने मेगन को काबू किया क्योंकि किट वापस आ रहा था। इतने में वो आया, ये कार लेकर निकल गए और वो पीछा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कार है खटारा, वो स्टार्ट हुई नहीं। भला वैम्पायर कार पे पैसा क्यों लगाएगा। इतने में कोई वहां से गुजरे, किट सैम का ही खून पीने में लगा था। तभी एक कार वहां पर आई तो सैम के जरिए उसे रुकवा कर उन्होंने अपनी कार को ठीक करवाया। और इतने में कार ठीक हो रही थी, किट एक सांप से अपने हाथ पर डसवा कर थोड़ा नशा ले रहा था। कार ठीक होने के बाद उन्होंने एक एक करके उस कार में आए दोनों आदमियों को मार डाला। फिर दोनों कार लेकर वो आगे बढ़ गए। इधर ये भी एक शेड देखकर रुक गए थे क्योंकि इनका सारा फ्यूल लीक हो चुका। शेड के अंदर उन्हें फ्यूल से भरा एक कैन मिल गया, पर इतने में मेगन कार लेकर चली गई। अच्छी बात यह है कि ज्यादा दूर वो नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर निक शॉन का वॉलेट उसे वापस कर देता है जो इसे रास्ते में मिला था, यानी कि इसी के पैसों से ये फ्यूल के पैसे दे रहा था। खैर काफी देर चलने के बाद उन्हें कार मिल गई, उसमें फ्यूल डालकर वो आगे बढ़े तो आगे उन्हें मेगन भी मिल गई जो फिर से होश में नहीं थी। इतने में वो उसे कार में डाल रहे थे वैम्पायर्स भी वहां पर आ गए और यहाँ फिर से शुरू हुआ एक भारी चेस जिसमें शॉन दो ट्रक्स के बीच में से निकलकर बच गया, पर पेन ने ट्राई किया तो उसकी कार क्रैश होकर ब्लास्ट हो गई जिसमें वो भी मारा गया। अब बचे किट और साइम। खैर चर्च के रास्ते में ये तीनों रुके एक बंद पड़े गैस स्टेशन पर जिसकी ओनर थी आईना नाम की एक ओल्ड लेडी और उसके साथ था उसका डॉग बस्टर। अब वैसे तो आईना इन पर कोई दया ना करती, पर मेगन को देखकर उसने तीनों को अंदर ले लिया क्योंकि उसने मेगन से रिलेटेड एक खबर पढ़ी थी अखबार में। यहाँ पर मेगन खुद बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तो किट और उसकी गैंग ने इसके घर में घुसकर इसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। फिर किट ने इसका खून पिया और फिर इसे मारने की जिम्मेदारी उसने दी थी टैडी को, पर टैडी ने दया खाकर इसे छोड़ दिया था और अब वही किट को भारी पड़ रहा है। खैर जब मेगन ये सब बता रही थी तभी किट वहां पहुंच गया और आते ही उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो सब जल्दी से छुप गए थे। निक के हाथ में उसकी गन थी और शॉन ने गन उठा ली थी आईना की। तभी वो देखता है कि बाहर तो एक ग्रेवयार्ड है। आईना बताती है कि ये एक पुराना स्पेनिश ग्रेवयार्ड है जिसके ऊपर मेरा घर बना है, यानी कि ये एक होली ग्राउंड है, तो यहाँ पर किट को मारा जा सकता है। सबसे पहले साइम अंदर आई तो निक ने गोलियां बरसाकर उसे बाहर फेंक दिया, जिस बीच निक को भी गोली लग गई। पर बाहर साइम ने पकड़ ली बिजली की तार जिससे वो भून रही थी, वो तो किट ने उसे बचा लिया। फिर वो दोनों एक साथ अंदर आकर इन सबको ढूंढने लगे और मेगन बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रख रही थी क्योंकि उसके ऊपर चल रही थी आईना की पालतू मकड़ी। फिर भी उसने संभाल लिया। इसी बीच सैम शॉन तक पहुंच चुकी थी तो शॉन ने सीधा ही उसका सर उड़ा दिया। मौका मिलते ही निक ने भी किट को गोलियों से भर दिया जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं, उल्टा उसने शॉन को अच्छी तरह धो दिया। उसे अधमरा करने के बाद वो फिर से अंदर पहुंचा मेगन और आईना को मारने, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले शॉन कार लेकर अंदर घुसाया। उसने किट को अच्छी तरह दबा दिया था पर तभी कार का फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सूरज निकल चुका था। शॉन ने किट को गोली मारी तो वो पीछे होकर सनलाइट में पहुंच गया जिससे वो भी जलकर ब्लास्ट हो गया और उसके साथ आईना का घर भी, पर ये चारों बच गए और शॉन और मेगन बच गए वैम्पायर बनने से। शॉन को हॉस्पिटल में बाय बोलकर मेगन चली गई। और अगर आपको ऐसा लगा था कि कोई लव एंगल होगा तो भूल जाओ। शॉन निक को देखने पहुंचा तो वो भी जा चुका था और वो छोड़कर गया था एक नोट जिसमें लिखा था कि निक की बीमारी अब भी ठीक नहीं हुई, यानी कि उसका फोर्सेकन कोई और है। जैसा कि उसने बताया था अमेरिका में दो हैं जिनमें से एक तो मर चुका, अब दूसरे की तलाश में वो निकल चुका है, पर क्योंकि निक ने इसकी हेल्प की इसलिए ये भी उसकी हेल्प करना चाहता है। 3 महीने बाद निक रास्ते पर चल रहा था तो एक कार उसे देखकर रुक गई जो कि थी किट की, पर उसके अंदर था शॉन जो कि 3 महीने से इसे ढूंढ रहा था। इसने पता लगाया है कि निक वाला 4 सेकंड मिलेगा डेनवर में, तो दोनों वहीं के लिए निकल गए और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी काफी अच्छी थी, स्पेशली इसका आइडिया जिसके ऊपर एक पूरी फ्रेंचाइज बन सकती है, लेकिन बनी नहीं। सीक्वल का आइडिया तो दे ही दिया था, पर जो स्टोरी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसमें से कई सारी और भी स्टोरीज निकल सकती थी, जैसे कि अलग अलग देशों में फैले 4 सेकंड और उनकी अपनी अपनी ब्लड लाइन, यानी कि अलग अलग तरह के वैम्पायर्स। रोड वाली मूवीज मुझे तो वैसे भी पसंद है, ऊपर से वैम्पायर मूवी हो और वो भी गन चलाते सैवेज वैम्पायर्स, तो फिर बात ही अलग है। क्लासी वैम्पायर्स हमने बहुत देख लिए, पर मूवी की कम पॉपुलैरिटी का रीजन भी यही है इसका हाइब्रिड नेचर, क्योंकि ऐसा लगता है नहीं कि ये कोई हॉरर मूवी निकलेगी वो भी वैम्पायर्स वाली, पर मुझे तो मूवी पसंद है। हैरानी की बात है कि आज तक ये कल्ट क्लासिक नहीं बन पाई। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $15 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $8.7 मिलियन। सांप से डसवाने वाले सीन में जोनाथन शेयर्स उस सांप से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर सीन देखकर पता नहीं चलता। इसके बाद जोनाथन और डायरेक्टर जेएस कार्डन ने एक साथ काम किया था प्रॉम नाइट के रीमेक में। ये जेएस कार्डन की उनकी खुद की बनाई हुई फेवरेट फिल्म है। जेएस कार्डन ने बताया था कि इसबेला मीको को खुद पर स्पाइडर चलवाने के लिए कन्विंस करना उनकी लाइफ के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। ये मूवी नियर डॉग से काफी ज्यादा सिमिलर लगती है क्योंकि उसी से ये इंस्पायर्ड है और साथ में बैडलैंड से।
बैम्पर्स जो कार चला रहे थे वो थी 1969 डॉज चार्जर और शॉन जो कार चला रहा था वो थी 1978 मर्सिडीज बैन 450 एसएल। ये मूवी शूट हुई थी एक डेजर्ट टाउन वेल्टन में और वो होटल और गैस स्टेशन वहीं पर है। वेल्टन की पॉपुलेशन 2000 से भी कम है और गर्मियों में वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि वो दुनिया की टॉप 5 हॉटेस्ट प्लेसेस में आता है। ये कैरी स्नॉडग्रास की आखिरी फिल्म थी। क्रिटिक्स को लगता है कि शॉन और निक के बीच में एक लव एंगल बन गया था। कर स्मिथ को लिया गया था डॉसन्स क्रीक में उनके काम की वजह से और ब्रेंडन फेयर को लिया गया था रोजवेल की वजह से। इसबेल मीको को इसलिए लिया गया था क्योंकि वो इंडस्ट्री में नई थी और वैसे वो पोलैंड से थी, इसलिए अमेरिकन एक्सेंट सीखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। इसमें से कई सारे वायलेंट सीन्स को छोटा किया गया था आर रेटिंग लेने के लिए। सिर्फ दो ही वैम्पायर सनलाइट से मरे, टेडी और किट। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको कैसी वैम्पायर्स मूवीज पसंद है, क्लासी या फिर ऐसी सैवेज। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि जो मेरी ब्लड लाइन है वो भी चलती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।